जब भी आपको एक काला दौर आएगा, जब भी ट्रस्ट डिफिसिट होगी कम्युनिटीज के बीच में, जब भी ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हर गली, हर कूचा, हर शहर, हर विश्वविद्यालय, हर खेत में तकसीम हो गया, बंटवारा हो गया, और जाहिर है ऐसा दौर आज भी है, तो हमारा मानना है कि गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि गांधी को नए संदर्भों में आप किस प्रकार लाते हैं, क्योंकि आपको गांधी के पूरे जीवन का अगर एक अध्याय याद रखना हो आज के संदर्भ में, तो वो है गांधी के आखिरी बरस नुआखोली का, और पूरे बंगाल में मैं समझता हूँ कि वो गांधी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बनिस्बत मैं यहाँ तक कहूँगा कि सविनय अवज्ञा या सहयोग वाले गांधी से हमें नुआखोली वाला गांधी अब चाहिए। मैं समझता हूँ कि गांधी से अगर एक चीज़ इस सदी को, इस जनरेशन को समझाना है, तो वो ये है कि विरुद्धों के बीच, कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच कैसे एका कायम की जाए, उस तरह की चीज़ का अभाव दिखता मुझे। अभी लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि गांधी और अंबेडकर को एक साथ पढ़ने, एक साथ समझने और एक साथ उतारने की ज़रूरत है। और वो संभव है, वो संभव है, क्योंकि जब आपका समाज अलग अलग खानों में बंटता जाए दिन प्रतिदिन, चाहे लैंगिक विमर्श हो, दलित विमर्श हो, पिछड़ा विमर्श हो, उस सब के प्रति आपको असंवेदनशीलता भी दिखती हो, तो अगर एक व्यक्ति आपको दिखता है जो शायद एक न्यूक्लियस की तरह आप बुन सकते हैं, तो मैं समझता हूँ वो गांधी है। लेकिन उस गांधी को भी आपको 48 से उठा करके 2017 में लाना होगा। 69 वर्ष बीत चुके हैं, और जाहिर है कि अगर गांधी आज जिंदा होते तो वो 48 वाले गांधी नहीं होते, क्योंकि अफ्रीका वाले गांधी फिर इन भारत वाले गांधी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद गांधी अपने को भी गढ़ते, अगर वो नहीं है, हम उन्हें गढ़ें नए स्वर में और नए संदर्भ में। हमारा समाज मूलतः हिंसक समाज रहा है। सबसे जो हमारी एक महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं रीढ़, हमारी जाति व्यवस्था, वो हिंसा से परिपूर्ण है। उसमें संवाद भी हिंसा पे है, हिरार्की भी हिंसा की ही है। तो वैसे समाज में जहाँ हिंसा बहुत बड़ी नियामक थी, गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उस दौर में भी कई लोग इसको कायरता का प्रतीक मानते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना से आप हथियार से नहीं मुकाबला पड़ोगे, आपके लिए ऐसा हथियार चाहिए जिसका मुकाबला वो ना कर सके। उस दौर में इस अहिंसा, जिसको हम कहते हैं नॉन वायलेंस, ट्रुथ, इस सब का जन्म हुआ। लेकिन कुछ जो एक उस तरह के समूह से लोग आते थे, जिनके पूरे के पूरे उनका मेटाफर, उनकी कार्यशैली में हिंसा होती थी, उन्हें गांधी हमेशा कमज़ोर और लिजे लगते थे। इसलिए नहीं कि गांधी वैसे थे, इसलिए कि उनके स्कीम में गांधी फिट नहीं बैठते थे। मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए, और मुझे खुशी है कि पुरुषोत्तम जी ने पॉइंट बाय पॉइंट काट करके ये बताया कि असल में मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन हम में से कोई उतना मजबूत नहीं हो पाते हैं, तो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम उसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। पर्सनल लेवल पे अगर कहूँ तो मैं गांधी को वैष्णव जंतु तैने कहिए पीर पराई जाने रे। इसमें मार्क्सिज्म नहीं है, इसमें अंबेडकर का विजन नहीं है, बड़े बड़ी फिलॉसफी नहीं है, लेकिन इसका चूंकि मैंने स्वयं भी अनुवाद किया है, तो मैं जानता हूँ कि एक गांधी का ये भजन गाना और इस भजन को प्रमुखता देना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा संदेश मैंने गांधी से लिया है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहूँ, गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हेराम से बाकी कौमें डरती नहीं थी। हमें हेराम वाला राम चाहिए, और वो गांधी के साथ। टू मी गांधी इज अ होप इन अ होपलेस वर्ल्ड, अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड द टनल इज डार्क। दैट इज गांधी फॉर मी।